एक अस्पताल, डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा। और राजनंदी एम्बुलेंस सर्विस पूरे भारत में कहीं भी जाना हो डायल करें 9801882735, सिर्फ एक कॉल पर उपलब्ध आईसीयू वेंटिलेटर। सीवान 28 नवंबर को हिना शहाब का दरभंगा होगा दौरा, इसको राजनीतिक के तहत दौरा होने की हो रही चर्चा। इस पूरे मामले पर अब हिना शहाब ने जारी किया पत्र। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आने वाला 28 नवंबर ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का स्थापना दिवस है, जिस पर एक मुशायरा का आयोजन दरभंगा में रखा गया है, जिसमें हिना शहाब को भी आमंत्रित किया गया है। और बताया जा रहा है कि हिना शहाब 28 नवंबर को एकता कॉन्फ्रेंस एवं मुशायरा में शामिल होने सीवान से दरभंगा पहुंच रही है, जिसके बाद राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां की स्थापना दिवस पर मुशायरा की आयोजन में हिना सब 28 नवंबर को शामिल होने जा रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या ये बिहार दौरा है और हिना साहब क्या 2024 की तैयारी को लेकर ये दौरा कर रही है और अपना वोट बैंक बनाने में जुटी हैं। क्या कहती है हिना शहाब जारी पत्र में। सीवान से 28 नवंबर को दरभंगा में मुशायरा के आयोजन में हिना शहाब के शामिल होने पर यह चर्चा तेज है कि राजनीति के तहत हिना शहाब मुशायरा में शामिल होने जा रही है। इसके बाद हिना शहाब ने एक पत्र जारी किया है और उसमें साफ लफ्जों में ये कहा है कि पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस संस्था के प्रति बहुत ही रुचि रखते थे और इस कार्यक्रम में लोगों के साथ हमेशा शामिल होते रहते थे और आप सभी बिहार वासियों का बहुत स्नेह मिला था। स्थापना दिवस के अवसर पर वहां कौमी एकता कॉन्फ्रेंस एवं मुशायरा का आयोजन किया गया है। ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है, ये राजनीतिक यात्रा राजनीति कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसे राजनीतिक रूप न देने की मैं अपील करती हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि सोशल मीडिया पर मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का ऑफिशियली फेसबुक आईडी या ट्विटर अकाउंट नहीं है। अगर कोई सोशल मीडिया पर हमसे संबंधित किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ पोस्ट शेयर करता है, वह मेरा और मेरे परिवार का या साहब का शुभचिंतक नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया के किसी भी भ्रामक पोस्ट पर ध्यान ना दें। मैं एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में अपने लोगों के साथ अपने लोगों के बीच जा रही हूं। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। साथ ही मैं अपने साथ चलने वाले सभी लोगों से सबका मान सम्मान रखते हुए धैर्य एवं शांतिपूर्ण तरीके से चलने के साथ साथ किसी भी तरह के नारेबाजी से बचने की अपील करती हूँ। आप सभी का धैर्य एवं संयम ही हमारी ताकत है। मैं इस बात को मेरे पति शहाबुद्दीन साहब के निजी सचिव अरुण मुन्ना के द्वारा प्रकाशित कर रही हूँ।